पसोवा विधानसभा की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी का के वेस्ट वार्ड पर हंगामा। पसोवा विधानसभा इलाके में नाले की ठीक से सफाई, चालियों में गटर का गंदा पानी बहना, सड़कें टूटी फूटी होना, कई जगह गटर खुले होना, इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने के वेस्ट वार्ड ऑफिसर के अंदर घुसकर धरना दिया और बीएमसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और वसोवा विधानसभा के अध्यक्ष संजय बेड़िया गिरगांवकर ने किया। संजय बेड़िया गिरगांवकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बीएमसी से जुड़ी तकलीफों को लेकर काफी समय से वार्ड अधिकारी पृथ्वीराज चौहान से मिलना चाहते थे। उन्होंने एक बार हम सभी को मिलने का समय दिया और जब पार्टी के कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए कार्यालय में गए तो पता चला कि वो उस दिन नहीं आए। उसके बाद उनसे फोन पर संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन तक उठाना उचित नहीं समझा। संजय बेड़िया गिरगांवकर ने कहा कि जब इस अधिकारी का एक राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार है तो फिर आम जनता के साथ किए जा रहे इनके व्यवहार को समझा जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हम लोग अछूत हैं। आज भी प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता अपने इलाके की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं। वार्ड अधिकारी आज भी मौजूद नहीं थे, इसलिए बीएमसी के सुरक्षाकर्मियों ने संजय बेड़िया गिरगांवकर के साथ गए प्रतिनिधिमंडल को अधिशासी अभियंता श्री मोहिते से मिलवाया। श्री मोहिते ने प्रतिनिधिमंडल की पूरी बातें बड़े धैर्य से सुनी और उन्होंने एक महिला अधिकारी को बुलाकर उन्हें निर्देश दिया कि भविष्य में जब भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किसी समस्या को लेकर कार्यालय आए तो उन्हें पूरा मान सम्मान देकर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। ये आश्वासन मिलने के बाद आपके नेताओं ने धरना समाप्त कर दिया। धरने के दौरान ये कार्यकर्ता भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, प्रीति शर्मा जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद और संजय भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आज प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया अंदर जी, आखिर क्या वजह थी? विषय यह था कि वर्सोवा विधानसभा में वहां पर सड़क, गली, मीटर, वाटर इतनी समस्या है, चालियों के अंदर गटर भरे हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं। मेरे पास में रोज एक शिकायत आती है कि इस खड्डे में गिरकर मोटरसाइकिल पर इस आदमी का, इस बहन का, इस माँ का हाथ पैर टूट गया। मेरे कार्यकर्ता, वार्ड अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी जब बीएमसी के अंदर आते हैं के वेस्ट के अंदर, तो ये बिल्कुल भी इनको इंटरटेन नहीं करते, और इंटरटेन ही छोड़िए, मिलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। वार्ड ऑफिसर पृथ्वीराज चौहान से मैंने बात की थी सुरक्षा भेंट देने की, उन्होंने कबूल किया कि आप पदाधिकारी लोगों को लेके आएँ और सुरक्षा भेंट दें, पर जो टाइम दिया उस दिन वो खुद नहीं थे। क्या पृथ्वीराज चौहान, क्या बीएमसी के वार्ड आम आदमी पार्टी को अछूत समझती है? क्या वो अगर हमें अछूत समझती है तो मैंने आज उन्हें ये बताने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी लोगों के दिल पे राज करती है, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी है, और आज बीएमसी के अधिकारियों ने अपनी गलती भी मानी और कबूल भी किया, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर हम आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आएगा उनको मान सम्मान और उनके सारे काम किए जाएंगे, ऐसा वह करेंगे तो हम मिलजुल कर बीएमसी को कॉपरेशन कर आगे बढ़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो यह आंदोलन इससे भी तीव्र, इससे भी जोर से हो सकता है। थैंक यू जी।